मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया है कि सूबे में बीजेपी की सरकार बनेगी और पार्टी 125 से 150 सीटों पर जीत हासिल करेगी। कैबिनेट बैठक को लेकर गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि यह इस टर्म की आखिरी बैठक थी। इस बैठक में शिवराज सरकार के कार्यकाल पर चर्चा की गई। यह कार्यकाल अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। मिश्रा ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री भी ऐतिहासिक है। कोरोना काल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की सेवा की है वह अपने आप में ऐतिहासिक है। योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हम सबके साथ चर्चा की। सरकार तो आगे भी हमारी ही आ रही है, इसलिए इस टर्म की आखिरी बोले, इसको स्पष्ट कर दें। और सच में इस टर्म में पौने चार साल में जो ऐतिहासिक काम किए हैं, मुख्यमंत्री तो हमारे ऐतिहासिक हैं। इतने लंबे समय मध्य प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, लेकिन जो ऐतिहासिक काम किए, क्योंकि वो संकट का काल था, कोरोना का काल था जब हम सरकार में आए, और जो मजदूरों की सेवा की, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने आज बैठक में बताया, और कोरोना के उस काल में ऑक्सीजन रेमडेसिविर की जिस तरह से व्यवस्था की गई, और वहां से चलते हुए सेवा के मार्ग पर जिस तरह से किसान कल्याण की योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं, और लाडली बहना तक, आज जिक्र कन्यादान योजना का भी आया, बेटी बचाओ योजना का भी आया, आज ऋतिक लाडली लक्ष्मी का भी आया और लाडली बहना का भी आया। सच में जो नवाचार मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुए, वो पूरे देश ने अंगीकार भी किए और स्वीकार भी किए, चाहे वो तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो संबल योजना हो, ऐसे नवाचार जो आए आज उनका भी जिक्र हुआ, और मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों का और मंत्रिमंडल ने सबने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया।